वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर, देखिए इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूती विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरो फाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है।
यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इसराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसके इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजरायल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजरायल की बमबारी रुकवाने के लिए इजरायल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजरायल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजरायल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजरायल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट 2 हैं। पहला है इजरायल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं।
और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूती विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर ये हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। انه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به امريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصره اخواننا في غزه مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرساله الثانيه للدول القيادات العربيه المنبطحه بان الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وان الشعوب العربيه شعوب حره ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين। ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं।
पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीब। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूती विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है। अमेरिका को चेताया है
ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर, देखिए इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती हैं कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخوانا في غزة. مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله. والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض، شعب متحرك، وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं।
पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीब। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूती विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं।
और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरो फाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं।
पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूती विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है।
बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूती विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इससे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين। ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है।
इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए, या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर, देखिए इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है, क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है।
गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين। ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे।
ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूती विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा।
लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। في يوم الجمعة وهو يخرج في بقية الأيام ليؤكد على موقفه المبدئي في نصرة إخواننا في غزة وأيضا أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा।
अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें यह है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
24 घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين। ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीद। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने
और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर, देखिए इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है, क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका।
ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर ये हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخوانا في غزة. مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله. والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض، شعب متحرك، وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है।
गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रो एक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूती विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है।
ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा, और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं।
यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूती विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10000 किलोमीटर का क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट, सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूती विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूती विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूती विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चेताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूती विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ
तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरो फाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इससे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। ये भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा, और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीद। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है, और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं।
यमन के हूती विद्रोही जो कि गाजा पर इसराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इसराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें यह है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10000 किलोमीटर का क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा।
ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخوانا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा, और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं,
ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10000 किलोमीटर का क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हुथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा।
ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती हैं कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। ये भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخوانا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा, और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं,
ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट, सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं।
इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरो फाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इससे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। في يوم الجمعة وهو يخرج في بقية الأيام ليؤكد على موقفه المبدئي في نصرة إخواننا في غزة وأيضا أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين یہ غازہ میں چل رہے یدھ کا ایکسٹینشن ہے جس میں اب اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کے لیے غازہ میں ہزاروں ٹن بم گرائے ہیں تب اسرائیل کے ساتھ امریکہ مل کر کھڑا رہا اور اب जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसके इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है।
ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। और बड़ी बात इसमें यह है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए, या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर, देखिए इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है, क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि
जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरो फाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इससे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। ये भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। انه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به امريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة اخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بان الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وان الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजरायल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा, और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजरायल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीब। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजरायल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजरायल की बमबारी रुकवाने के लिए इजरायल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है
अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी, ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए, या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इसराइल जाना है तो फिर रास्ता 10000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इसराइल तक 10000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा, 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट, सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हुथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इसराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इसराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, साथ में इसराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इसराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इसराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर, देखिए इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है, क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है, जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, इसराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरो फाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है।
तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इससे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। ये भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। في يوم الجمعة وهو يخرج في بقية الأيام ليؤكد على موقفه المبدئي في نصرة إخواننا في غزة وأيضا أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين یہ غازہ میں چل رہے یدھ کا ایکسٹینشن ہے جس میں اب اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کے لیے غازہ میں ہزاروں ٹن بم گرائے ہیں تب اسرائیل کے ساتھ امریکہ مل کر کھڑا رہا اور اب जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजरायल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती है। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीब। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजरायल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजरायल की बमबारी रुकवाने के लिए इजरायल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10000 किलोमीटर तक और
ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इसराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा, 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट, सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हुथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजरायल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजरायल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, साथ में इजरायल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजरायल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है, जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है।
في يوم الجمعة وهو يخرج في بقية الأيام ليؤكد على موقفه المبدئي في نصرة إخواننا في غزة، وأيضا أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة. مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله. والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض، شعب متحرك، وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजरायल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजरायल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजरायल के जहाजों को निशाना बना रहा है तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजरायल की बमबारी रुकवाने के लिए इजरायल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार
पूरी तरह से चौपट, सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हुथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हुथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हुथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरो फाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। وايضا انه لا يبالي بالتهديدات
وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة. مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله. والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض، شعب متحرك، وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसके इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं।
और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इसराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं, साथ में इसराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इसराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इसराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चेताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इससे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة
بأن الشعب اليمني شعب نابض، شعب متحرك، وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजरायल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा, और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजरायल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीब। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है, और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजरायल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजरायल की बमबारी रुकवाने के लिए इजरायल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए, या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा, और कारोबार पूरी तरह से चौपट, सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजरायल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं, और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजरायल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजरायल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं।
हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर, देखिए इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए। लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخوانا في غزة. مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله. والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض، شعب متحرك، وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं।
तब इसराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा, और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इसराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसके इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इसराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इसराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इसराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इसराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट 2 हैं। पहला है इसराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इसराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है।
गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخوانا في غزة. مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله. والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض، شعب متحرك، وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं।
उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से ज़हनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखे कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट 2 हैं। पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं।
और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। कि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरो फाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। في يوم الجمعة وهو يخرج في بقية الأيام ليؤكد على موقفه المبدئي في نصرة إخواننا في غزة وأيضا أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसके इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं।
पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूती विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए, या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं। पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है।
बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूती विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस हैं जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती हैं। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخواننا في غزة مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض شعب متحرك وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين ये गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीर। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है।
इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूती विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए, या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर, देखिए इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है, क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है।
गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा। लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल बरसी हैं, ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन असली एक्शन तो यमन की तरफ से आने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लॉन्च किए, तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटेन ने अपने यूरोफाइटर टाइफून लॉन्च करके यमन पर बम बरसाए हैं। वो 10-20 नहीं बल्कि दर्जनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है। तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है कि यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिए गए हैं, बहुत से हैंगर तबाह कर दिए गए, लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामोश बैठेगा, इसे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है। यह भीड़ अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी है। أنه لا يبالي بالتهديدات وما تقوم به أمريكا من ضغط ثني اليمنيين عن موقفهم المبدئي في نصرة إخوانا في غزة. مؤيدون ومفاوضون للقائد حفظه الله. والرسالة الثانية للدول القيادات العربية المنبطحة بأن الشعب اليمني شعب نابض، شعب متحرك، وأن الشعوب العربية شعوب حرة ولن تسكت على ما يحصل في فلسطين. गाजा में चल रहे युद्ध का एक्सटेंशन है, जिसमें अब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा में हजारों टन बम गिराए हैं। तब इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बमबारी की है तो यमन के साथ ईरान खड़ा हो गया है। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इजराइल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। उसकी इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास 3 ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती हैं। पहली मिसाइल है फलक। इस मिसाइल में ईरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है तनकीब। इस मिसाइल को ईरान की राद 500 मिसाइल की कॉपी कहा जाता है। इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है सबसे खतरनाक, नाम है आसिफ। ये ईरान की मिसाइल फतेह 313 का ही वर्जन कही जाती है। रेंज है 500 किलोमीटर। ईरान ने 4 साल पहले अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखाया था, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे।
ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है। ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। गाजा में चल रही बमबारी के बाद यमन के हूथी प्रोएक्टिव हैं। उसको ईरान का पूरा समर्थन भी है। वो लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर चढ़ाई शुरू कर दी है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो कि गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों ही अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और यहीं से एशिया की तरफ यूरोप को रास्ता जाता है। ये रास्ता जाते हुए आप देख रहे हैं मालवाहक ये जहाज जो कि सामान लेकर जाते हैं। अब दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें यह है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जो रास्ता है अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। ये रूट 6000 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर बाकायदा लगाते हुए या देखिए कैसे ये चक्कर लगाते हुए और फिर आगे यूरोप की ओर बढ़ना होगा। अगर इजराइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमीटर तक और ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए इजराइल तक 10,000 किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरा घूम करके स्ट्रेट जो है ये जाना पड़ेगा। 3 से 5 दिन का सफर इसमें और ज्यादा लगेगा, यानी कि फासला भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, लागत भी ज्यादा, वक्त भी ज्यादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट। सामान कितना महंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं। और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त गाजा में बमबारी का बदला इजराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दो मानता है, लेकिन अभी के हालात और तेवर बता रहे हैं कि यमन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने अमेरिका को फिर चेतावनी दी है, अमेरिका को चिताया है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमले से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान के पास कमांडो ऑपरेशन चलाकर पहले ही ईरान ने यह बता दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर देखिए, इस वक्त अमेरिका 3 मिसाइलों से परेशान है क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही ऐसी मिसाइलों से लैस है जो कि उसके बड़े बड़े जहाजों को डुबो तक सकती है। गाजा पर अटैक हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, ईरान खामोश रहा।
लेबनान पर अटैक हुआ, हमास का डिप्टी चीफ मार दिया गया, ईरान खामोश रहा। अब यमन पर हमला हुआ है और ईरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर ईरान ने अपनी कमांडो फोर्स लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन का टारगेट बना अमेरिका। ईरान का सी किंग हेलीकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ईरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कब्जा करके ईरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कब्जे में लेकर बदला चुका लिया है। ईरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस की खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है? अगर यह हुआ तो समझ लीजिए कि ईरान